नमस्कार, मैं हूं आस्था पुरी आपके साथ और आप सब देख रही हैं नेशन वन। नोएडा में एक निर्माण कार्य के चलते एक मकान और एक दुकान के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नोएडा के निर्माण कार्य के दौरान एक मकान और दुकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बगल में खुद रही नींव की वजह से बगल के मकान और दुकान भरभराकर गिर गए तो मानो कोहराम मच गया। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 63 इलाके के बहलौलपुर की हैं, जहां एक निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर अपने काम में लगे थे और आसपास के लोग अपने काम में, इस बात से बेखबर कि यहाँ होने वाली है एक बड़ी अनहोनी। नींव खोदी जा रही थी, लेकिन नहीं पता था कि ये नींव नहीं बल्कि मौत का गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसमें भरभराकर बगल के मकान और दुकान गिर गए। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि कहा गया कि कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। फौरन पुलिस और फायर विभाग ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। वहीं जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उधर हाहाकार मचा था, चीख पुकार मची थी। सवाल बड़ा था कि आखिर कितने लोग मलबे में हैं, उनकी क्या हालत है, कहीं कोई देरी ना हो जाए। तमाम आशंकाओं के बीच आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ और 3 लोगों को मलबे के नीचे से निकाला गया, जिसमें एक मजदूर ने दम तोड़ दिया जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। साल का लड़का है और किस तरह मकान गिरा? 22 साल। मकान कैसे गिर गया? दीवार खोदने के समय में दीवार फटक गई। तो उससे पहले कुछ सेफ्टी वेफ्टी नहीं अपनाई गई थी? ठेकेदार की तरफ से भाई यहाँ पे कुछ नहीं। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार आज आता है चला गया। क्या कह रहा था ठेकेदार उस समय? ठेकेदार क्या कह रहा था उस समय? भाग गया वो, बोला सी जी भी मंगा तो वो भी मंगाने का तैयार नहीं। कैसा कैसा करके चाचा कितने लोग दबे हुए इसमें? अरे इसमें 2 तो घायल हो गए हैं, बचे हम भी घायल हो गए। आप भी यही काम कर रहे हैं? और कितने लोग हैं? इधर गया, इधर गया। अच्छा ठीक है, बस है। थाना सेक्टर 63 के अंतर्गत बैलोलपुर गांव में हनुमान मंदिर के पास एक बिल्डिंग में काम चल रहा था नींव का। नींव में काम चलने की वजह से जो उसके बगल वाली सिंगल स्टोरी की एक का मकान था वह गिर गया और उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है। इस हादसे में मारे गए मजदूर जितेंद्र, जो नींव की खुदाई कर रहे थे, मलबे में दबने की वजह से उनकी जान गई तो परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार वालों ने गुस्सा जाहिर किया, ठेकेदार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। कहा गया कि ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रखकर यहां पर काम शुरू करवाया, जिसकी वजह से जितेंद्र की जान गई। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।